फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सोमनाथ और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे शरीर की सुरक्षा के लिए हम मास्क लगाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमारे घर, ऑफिस या दुकान को सैनिटाइज करने के लिए सबसे अच्छा सैनिटाइजर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी घर, दुकान या ऑफिस सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करने की सलाह दी है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड एक डिसइंफेक्टेंट है। ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई को नष्ट कर देता है। आप घर में इस सॉल्यूशन का पोछा लगाकर फर्श साफ कर सकते हैं। इससे आप घर की दीवारें भी साफ कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन में कपड़े को भिगोकर आप घर, ऑफिस या दुकान की जो खिड़कियां हैं, उनके दरवाजे हैं या दरवाजों की कुंडियां हैं, उनको भी आप इस सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। दुकान में जो ग्लास काउंटर रहता है, उस ग्लास काउंटर को भी आप इस सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। घर और हॉस्पिटल में यूज होने वाले पर्दे, गद्दे, तकिया, उसके कवर, इसको भी आप इस सॉल्यूशन से धो सकते हैं। इस सॉल्यूशन से जब आप किसी वस्तु को या किसी जगह को सैनिटाइज करते हैं, तब आपको 48 घंटे तक सुरक्षा मिल सकती है। अब जानते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड एक पार्ट लेना है और उसमें 99 पार्ट क्लीन वाटर लेना है। इन दोनों को मिक्स करके जो डाइल्यूशन तैयार होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब जब आप 1 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड लेते हैं, तो उसमें 99 ml क्लीन वाटर डालें और इस सॉल्यूशन से आप घर, दुकान या ऑफिस को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड आप किसी भी मेडिकल शॉप से लगभग 40 से 50 रुपए लीटर से खरीद सकते हैं। अब जानते हैं इसे यूज करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, तब इससे केवल वस्तु या जगह को सैनिटाइज करें। इस सॉल्यूशन से कभी अपने हाथ या शरीर को सैनिटाइज बिल्कुल ना करें। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तब अपने नाक और मुंह को मास्क लगाएं, अपनी आंखों के ऊपर गॉगल लगाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।